नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और देखिए, आपका जो सीजन 2023 है उसके लिए आपका नोटिस जारी हो चुका है, आपका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप देख सकते हैं इसको, आज ही आया हुआ है 3/4/2023 को। तो इसमें सभी डिटेल्स आपकी दी गई है कि आपका एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब तक पड़ेंगे, ये सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद आपका जो पेपर होने वाला है वो कब होगा, ठीक है, आपकी लास्ट डेट रहने वाली है वो क्या रहेगी, और आपको सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत दी जाएगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो ये आपका ये डिटेल नोटिफिकेशन है जिसे आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी दी गई हैं। आप देख सकते हैं आपके 3 तारीख से आपके फॉर्म चालू हो चुके हैं, और आपका जो लास्ट डेट होगा वो 3/5/2023 होगा, वो भी 11 बजे तक। देखेंगे लास्ट डेट फॉर टाइम मेकिंग ऑफ द ऑनलाइन पेमेंट फी, ऑनलाइन पेमेंट फी करना चाह रहे हैं तो आपका 4 तारीख है, 4/5/2023 11 बजे तक आप कर सकते हैं। और ऑफलाइन अगर कर रहे हैं फिर भी आपकी इतनी ही तारीख रहेगी, 4 ही रहेगी। और आप देख सकते हैं नेक्स्ट में देखेंगे तो जो आपका लास्ट डेट फॉर पेमेंट चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक्स, तो आपका यहाँ पे मिल जाएगा, 5 तारीख मिल जाएगी आपको। डेट्स फॉर विंडो ऑनलाइन करेक्शन, करेक्शन आपका होगा इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट के को सम्मिलित करते हुए, वो भी आपका कितना, 7/5 से 8/5 तक रहेगा, और 11 बजे तक आपका चालू रहेगा। आपका जो एग्जाम होगा वो आपका जुलाई में होगा, और जो सेकंड ट्रायल का आपका एग्जाम होगा वो आपका कब होगा, वो आपको जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा, टू बी नोटिफाइड लेटर, ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं, देखेंगे गवर्नमेंट सर्विस टू हैव अ वर्किंग फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर्स बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनक्रेज्ड टू अप्लाई, सभी को अप्लाई करने के लिए इनक्रेज किया जा रहा है, जो भी वुमेन्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेल मेल फीमेल दोनों लोग इसमें अप्लाई करें। आगे आप बढ़ जाएंगे तो इसमें देखिए, यहाँ पर अभी आपकी सभी पोस्ट के हिसाब से आपकी जो एज क्राइटेरिया रहने वाला वो कितना रहने वाला आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आप 18 से 30 साल के हैं, 18 आपकी मिनिमम एज रहेगी, और जो आपकी 30 रहेगी वो मैक्सिमम एज रहेगी। और आपकी एज कब से काउंट होने वाली है, तो 1/8/2023 से आपकी जो एज है वो आपकी काउंट होगी, ठीक है। ये आपकी एज यहाँ से आपकी ली जा रही है, तो आप ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, तो यहाँ पर आप देखेंगे 18 से 30 साल इसकी भी एज है। तो इसी तरीके से आप सभी की एज देख सकते हैं, आपकी किस में आप अप्लाई करेंगे, और आपकी सभी एज है, आपकी सैलरी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपकी सैलरी दी गई है, किसकी कितनी सैलरी रहेगी, तो आप यहाँ पे सभी एज क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो ये सभी आपकी पोस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर जो आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी 7500 प्लस के समथिंग वैकेंसी हैं आपकी। तो ये जो वैकेंसी आपकी घट बढ़ सकती हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप मान लीजिए इसकी बढ़ने की चांस ज़्यादा रहते हैं, घटने के बहुत कम रहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे आपका जो रिजर्वेशन है, आप देख सकते हैं रिजर्वेशन फॉर अ शेड्यूल कास्ट SC, और आपके जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं ST होते हैं, अदर अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, एक्स सर्विसमैन, इन सभी का जो मतलब जो वो आपका दिया गया है, यानी जो आपके जो होते हैं रिलैक्सेशन होता है, एज में रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, तो इनकी जो कट ऑफ उसी हिसाब से जाती है, तो एज में भी रिलैक्सेशन इंक्रूवमेंट है। वैकेंसी फॉर ESM आर रिजर्व्ड ओनली फॉर ग्रुप C, तो ग्रुप C पोस्ट के लिए ये आपकी रिजर्व करी गई हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आप यहाँ पे, ये तो आप जानते हैं कि आपका कहाँ कहाँ से आप कहाँ कहाँ के लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे तो एज क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपकी एज आप देखेंगे तो यहाँ पे 18 से 27 फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट्स इज 18 to 27 ईयर्स, कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अ रियल देन, यानी इससे पहले कैंडिडेट्स का जन्म ना हुआ हो और इसके बाद जन्म ना हुआ हो, ठीक है। और फॉर द पोस्ट पोस्ट विच एज इज अंडर 20 to 30, 30 एज के अंतर्गत जो लिए जा रही हुई जिस पोस्टों के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने मिला सकते हैं 2/8/1993 से पहले का नहीं होना चाहिए कैंडिडेट, और 1/8/2003 से बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से सभी पोस्ट के लिए आप अपनी देख पाएंगे यहाँ पे,
देख सकते हैं आपकी जो पोस्ट हैं उसके हिसाब से अपनी एज देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे जो रिलैक्सेशन आपका होता है वो आपको बताइए, SC ST का 5 साल का होता है, OBC 3 साल का होता है, PWBD जो आपके अनरिजर्व होते हैं वो 10 साल का होता है, ठीक है। और यहाँ पे OBC वाला 13 ईयर्स, ठीक है, SC ST का 15 ईयर्स, एक्स सर्विस मैंस का आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग से आपका यहाँ पे आप दिया गया है। तो आप यहाँ सभी रिलैक्सेशन देख सकते हैं, तो आपकी ये रिलैक्सेशन आपको देने के लिए मिल जाएंगे, कितने साल तक मतलब कौन डाल सकता है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन जो आपका दिया गया है, ठीक है। आगे आप बढ़ जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे आप बढ़ जाएंगे तो देखिए, आगे चलते चलिए, ठीक है। तो आप इसको नोटिफिकेशन के सभी जो पॉइंट्स हैं आप पढ़ सकते हैं, इन पोस्टों के बारे में आपका दिया गया है, ठीक है, जितनी भी पोस्ट हैं उनके बारे में बताया गया है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे। तो आप सीधा क्या करेंगे, आप जाएंगे SSC.NIC.IN की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से जा करके आप अप्लाई कर पाएंगे अपना फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका जो है वो वहाँ से जा करके आप पूरा अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके फ़ोटो का साइज होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो आपके साइज़ हैं वो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखिए बताया गया है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो आपके साइज हैं फ़ोटो का साइज कितना होगा, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए ये आपका पूरा सेक्शन है, इसी का आपका पूरा सेक्शन है। तो फ़ोटो का जो आप देख सकते हैं फ़ोटो इन GPG फॉर्मेट 20 KB to 50 KB का आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो डायमेंशंस उसके होने चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इन कंप आप देख सकते हैं कंप्लियंस ऑफ द ऑर्डर और डेटेड डेट 5/3/2020, 5/3/2020, और मतलब इस तक का आपका आपका जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ शांतनु कुमार और रिट पिटीशन नंबर 234/2018, द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन द 3 मंथ्स ओल्ड, 3 मंथ्स ओल्ड आपका जो फोटो है वो नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन, फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप एंड विदाउट कैप, यानी कैप आप ना लगाए हों उसमें, ना आपके स्पेक्टिकल्स हों यानी चश्मे ना लगाया हो आपने, ठीक है। फ्रंटल व्यू ऑफ द फेस शुड बी क्लियरली विजिबल, और जो आपका फ्रंट हो आपका जो चेहरे का जो आपका फ्रंट होता है आगे आगे का मुखड़ा होता है वो आपका सही होना चाहिए। तो इस फोटो के बारे में आप अच्छे से याद रखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ज़्यादा थोड़ा डार्क किया गया है उसे देख सकते हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू देयर ओन इंटरेस्ट ऑफ सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट द लास्ट डेट ऑफ द अवॉइड टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकनेक्शन इनएबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ द लॉग इन SSC वेबसाइट ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लोड द वेबसाइट ड्यूरिंग द क्लोजिंग डेज। तो कहा गया है आप पहले से ही पहले भर लें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। लास्ट डेट में क्या होता है, साइट बीचने लगती है फिर खुलती नहीं है, फिर आपके फॉर्म है वो रह जाते हैं, तो इसके लिए SSC जिम्मेदार नहीं है। आपको करना है तो आप शुरू में ही कर लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, नहीं तो आप बर्बाद होने वाले हैं, ठीक है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है तो पहले से ही आप क्या करें अपना भर लें, और सभी चीज़ को ध्यान से भरें, कोई भी चीज़ को गलत ना करें, ठीक है। आप देख सकते हैं जो आपकी फ़ीस होगी वो फीस आप देख सकते हैं इसमें कितने, 100 रुपये लगती है आपकी फ़ीस होती है, ठीक है, RS 100 रुपीज़। और जो वूमेन है, एक्स सर्विस मैन है, ST हैं, इन पे तो फीस वीस कुछ नहीं लगता है, ठीक है, ये तो फ्री बॉन्ड में जाते हैं। केवल OBC और जनरल वालों पे ये फीस लगती है 100 रुपये, ठीक है। तो ये फीस के बारे में आपका सब कुछ दिया गया है, तो आपकी जो विंडो खुलेगी वो आप देख सकते हैं, जो आपका करप्शन वरप्शन वाला सिस्टम दिया हुआ है, जो तो आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिए। आपके ये सेंटर्स के बारे में बताया गया है, एग्जाम सेंटर्स आपके कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं आप देख सकते हैं, इनको सभी को पढ़ सकते हैं। जो सेंटर रीजन है आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए कहाँ कहाँ सेंटर आपके बनाए जा रहे हैं, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, ठीक है, पटना है, पूर्णिया है, आगरा है, बरेली है, गोरखपुर है, झांसी है, ठीक है, कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, प्रयागराज है, वाराणसी है। तो इस तरीके से आपके सभी जहाँ जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अपना सेक्शन देख सकते हैं,
ईस्टर्न रीजन वाले जितने भी अंडमान निकोबार आइसलैंड आइलैंड झारखंड उड़ीसा सिक्किम वेस्ट बंगाल इन सभी के आपके जो सेंटर्स हैं वो ये सेंटर्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे देखेंगे तो इसी तरीके से सभी के सेंटर्स दिए गए हैं, कर्नाटका केरला रीजन KKR के आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी आपके ये जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो आपके दिए गए हैं। मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के देख सकते हैं यहाँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के देख लीजिए यहाँ पर देखेंगे नॉर्थन रीजन रीजन NCR अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा इन सभी के ये सेंटर्स हैं। तो इस तरीके से आप सभी की सेंटर्स की लिस्ट दे सकते हैं और आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सीधी वेबसाइट दी हुई है, यहाँ से जाकर के आप अप्लाई कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये सभी नोटिस में सभी के दिए हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पेपर है, पेपर का आपका जो पैटर्न है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा वो 25, आपके जो नंबर के क्वेश्चन होंगे और मार्क्स होंगे 50। आप जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी जो आपका मैथ है उसका आपका 25 होगा 50 नंबर का, और इंग्लिश आपकी होगी 25 की, 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। आपको इसके लिए कितना मिलेगा, आपको इसके लिए 1 घंटा मिलेगा करने के लिए। ठीक है, 1 hour 20 minutes फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर अ स्क्राइब एज पर एज द पैरा नंबर 7.1 7.2 7.3। तो ये हैंडीकैप हैंडीकैप के लिए आपका होगा। ठीक है, इन पैरा में आप जाकर के पढ़ सकते हैं, आपको 1 घंटा ही मिलने वाला है। ट्रायल सेकेंड ट्रायल में है जो आपका होगा उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सभी मॉड्यूल्स यहाँ पे दिए गए हैं और सब कुछ आपको समझाया गया है। ठीक है, तो ये सेकंड के लिए था, इसी प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे तो आगे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेगा उसी को डिस्कस करेंगे, बाकी बात सब छोड़ते चलेंगे। ठीक है, तो आप इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हो, पूरा आपका नोटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिए, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप सभी को पढ़ लें और अच्छे से समझ लें इनको। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आपके लिए अगर इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपका दिन शुभ। थैंक यू।